देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए उथल पुथल भरा दिन हो सकता है क्योंकि कर्नाटक को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यूएस में बॉन्ड यील्ड 7 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड $78 के पार है और जो क्वार्टर फोर अर्निंग्स का बेस्ट स्लॉट था वो ओवर हो चुका है। अब अगले जो आने वाले अर्निंग्स है उनको लेकर बहुत ज्यादा तेज प्रोजेक्शंस नहीं है, तो थोड़ा सा शायद कॉशियस रहने की जरूरत है आज या फिर आने वाले सत्रों में। रणनीति आपको क्या रखनी है इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के अहम ट्रिगर्स के साथ ही। और सबसे बड़ा ट्रिगर है कर्नाटक, जिसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस जेडीएस की। इसके अलावा रुपए में कमजोरी बढ़ी है और अब यूएस बॉन्ड डील जैसे 7 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, आज एक बार फिर से कमजोरी की आशंका रुपए में जताई जा रही है। ग्लोबल संकेत भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, सेंसेक्स निफ्टी 0.5% नीचे है और साथ ही यूएस मार्केट अगर डाउ जोन्स के खास तौर से बात करें, लगातार 8 दिनों से हमने तेजी देखी थी, वहां पर 200 अंकों की गिरावट बनी है। और इसके अलावा जो चौथा अहम ट्रिगर है वो है, वो भी ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। दरअसल उत्तर और दक्षिण कोरिया की वार्ता रद्द हुई है, किम जोंग ने ये वार्ता रद्द की है, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि 12 जून को जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी वार्ता होने वाली थी वो उसको भी रद्द कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम संकेत आज की शुरुआत से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी और उसके बाद पूरा ब्यौरा लेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। 60 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 10,767 के लेवल्स पर। रजत हमारे साथ मौजूद है पूरी डिटेल्स लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की। संकेत तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं रजत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। जैसे अब सेंसेक्स निफ्टी देख रहे थे, अब पहले तो शुरुआती सत्र में ठीक था, 0.5% के आसपास गिरावट थी, लेकिन ये बढ़ती चली जा रही है और अब ये गिरावट होगी 58 अंकों की, 10,767 पॉइंट्स की गिरावट इसमें सेंसेक्स निफ्टी पे। और तमाम एशियन मार्केट्स, कोई भी एशिया मार्केट ऐसा है नहीं जहां पर हम कह सके कि आज बिल्डअप है, तेजी देखने को मिल रही है, सभी में गिरावट है। निके 1/4% ज्यादा गिरा, शंघाई कॉम्पोजिट और हैंगसेंग की जब ओपनिंग हो रही है तो वो भी लाल निशान में ही। तो आज संकेत नेगेटिव है, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि अमेरिकन बाजारों से ही नेगेटिव ट्रिगर मिल गए। तो नैसडैक यहां पर 60 अंकों के आसपास का गोता लग गया और दूसरा डाउ जोन्स जो लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पर चल रहा था वहां पर भी गिरावट हुई और गिरावट थी 200 अंकों की। तो ग्लोबल मार्केट्स पे ही एकदम से कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस नेगेटिव पड़ती हुई नजर आई हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ब्रेंट क्रूड $78 के पार तो पहुंचा था, इनफैक्ट 3.5 साल की ऊंचाई पर है, लेकिन आज यहां पर भी कन्विक्शन की कमी है और 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, जो सबसे बड़ा ट्रिगर इसमें एशियन मार्केट्स के लिए था वो था दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बैठक होने वाली थी, उसको नॉर्थ कोरिया ने अब खारिज कर दिया है, वो बैठक नहीं होगी। किम जोंग उन ने यह भी कह दिया कि वो हो सकता है कि यूएस समिट में भी शामिल ना हो, उस पर भी उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है। और ये बता आपको कि 12 जून को ये बैठक होने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट समझी जा रही थी। ऐसे में जिस तरीके की ग्लोबल टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं, अगर ये बैठक रद्द हुई तो ये नेगेटिव इंप्लीकेशन डालेगा पूरे ही वर्ल्ड मार्केट पे, तो इसका असर भी डेफिनेटली आज मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। तो दीपाली, घरेलू ट्रिगर्स के आधार पर ही ट्रेड करें क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट्स को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने की संभावना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहतर नहीं है, घरेलू ट्रिगर्स पर ट्रेड करें, लेकिन घरेलू ट्रिगर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर है कर्नाटक और कर्नाटक को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई अभी आपको बताते हैं। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा? दरअसल कर्नाटक में नई सरकार पर पेच फंस गया है और सरकार बनाने को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कर्नाटक चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन बहुमत से दूर है। कांग्रेस ने जेडीएस को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है और जेडीएस ने कांग्रेस का सरकार बनाने का ऑफर भी मान लिया है। दरअसल कल कांग्रेस और जेडीएस के कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी की ओर से भी येदियुरप्पा ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने की बात कही। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस के लियांगत विधायक नाराज हो गए हैं, उन्हें कुमारस्वामी मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल पहले बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि येदियुरप्पा 17 या 18 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के साथ दिग्गज नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। तो खबरें तो इस तरह की भी आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने क्या फॉर्मूला दिया है। कांग्रेस ने जेडीएस को 11/21 का फॉर्मूला दिया है, मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जेडीएस का होगा और
मुख्यमंत्री कांग्रेस का भी होगा, 11 मंत्री जेडीएस के होंगे और 22 मंत्री कांग्रेस के होंगे। तो ये फॉर्मूला कांग्रेस ने रखा है जेडीएस के साथ मिलकर कि जेडीएस का सीएम होगा और उनके 11 मंत्री होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नियम के मुताबिक राज्यपाल के पास अब क्या क्या विकल्प है। अब दोनों ही पार्टीज दावा पेश कर रही हैं सरकार बनाने का, ऐसे में अब राज्यपाल के पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प तो उनके पास ये है कि वो चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत की स्थिति में सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, और तीसरा विकल्प जो बचता है वो ये कि सबसे बड़ी पार्टी को इनकार पर चुनाव बाद बने गठबंधन को नेता को न्योता दिया जाए और सारे विकल्प खत्म हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाए। तो ये चार ऑप्शंस बचते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, या फिर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सामने आता है कर्नाटक को लेकर। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और पीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को ताक पर रखा है। आजादी के इतने सालों तक, आजादी के बाद जो दल केंद्रवर्ती पार्टी रहा, इतने वर्षों तक राज किया, देश को चलाया, अनेक दिग्गज नेता उसमें पैदा हुए, कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करें। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना, चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो कर्नाटक का कंफ्यूजन भी हमने आपको बताया और साथ ही बताया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज के लिए संकेत। अब इन सब ट्रिगर्स के बीच में रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हर रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, और कंफ्यूजन तो कर्नाटक को लेकर भी बरकरार है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी संकेत बेहतर नहीं है, फिर चाहे वो ब्रेंट हो, बॉन्ड यील्ड हो, या फिर यूएस मार्केट हो, तो ऐसे में क्या उथल पुथल भरा दिन रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। हाँ बिल्कुल, दो संकेत हैं, पहला घरेलू और दूसरा विदेशी संकेत। तो घरेलू संकेत जाहिर सी बात है कि वैसे अगर कल उम्मीद नहीं जगी होती बाजारों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कर्नाटक में, अगर उसको हटाकर देखा जाता तो शायद नतीजे बुरे नहीं है, क्योंकि 100 के पार सीटें बीजेपी को मिली है। लेकिन जब उम्मीद बन गई थी बाजार को कि सरकार बन सकती है और अब बनने में मुश्किलें आती हुई दिख रही है, पता नहीं क्या होगा, तो उसको देखकर थोड़ा बाजार नर्वस रहेगा अब। लेकिन आज फिर भी दिन भर आपको कर्नाटक के जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उन पर नजर रखनी होगी, बाजार किसी भी तरफ उन डेवलपमेंट्स पर फिर से रिएक्शन दे सकता है। अगर सरकार बनने के संकेत बीजेपी के आते हुए दिखे बाजार फिर खुश हो जाएगा, और नहीं आते हुए दिखे वो तो बाजार मानकर चली रहा है और इसी वजह से थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसला है। ये तो हुए हमारे घरेलू संकेतों की बात, लेकिन विदेशी संकेत भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, अमेरिका में गिरावट हुई, कोरिया की खबर आपने बताई कि वापस से नॉर्थ कोरिया में कम और साउथ कोरिया के बीच में वार्ता रद्द होने की बात हो रही है। अमेरिका के पाउंड 3.1% के आसपास पहुंच चुके हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो भी थोड़ा ढीला है। रुपया काफी लंबे समय के बाद 68 के लेवल के नीचे जाकर डॉलर के सामने बंद होता हुआ दिखा है, तो मैक्रो फैक्टर बहुत अच्छे नहीं है, माइक्रो फैक्टर अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव तो है नहीं, तो इस लिहाज से थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव रहेगा। 10,800 के नीचे अगर बाजार आज ट्रेड करता है और खुलेगा, क्योंकि संभावना पूरी दिख ही रही है, तो फिर उसके बाद 10,675 10,700 ये अहम सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है ठीक, इसके नीचे फिसलने के बाद बिकवाली का दबाव तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बढ़ेगा और उसके बाद तेजी की पोजीशन में बने रहना थोड़ा सा खतरनाक होगा। वैसे भी मिड कैप शेयरों ने तो काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के संकेत दे ही दिए हैं, ऊपरी स्तरों पर 10,850 के पास निकलना मुश्किल होगा, तो ये आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे
खबरों के दम पर उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब अगला अहम सपोर्ट लेवल 26,200-300 के आसपास बनता है, वहां पर शायद बाजार खुलता हुआ दिखे बैंक निफ्टी पर और वहां रुकने की कोशिश करे, उसके नीचे गए तो 26,000 के आसपास की लेवल हो सकती है और ऊपरी स्तर पर 26,700 के आसपास जाकर रुक सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधानी रखें और कल ही की तरह आज भी ट्रेडिंग पोजिशन हल्की रखें तो बेहतर। ठीक है, सेगमेंट्स कौन से हो सकते हैं या फिर सेक्टर्स या स्टॉक्स जहां पर ध्यान रहेगा? आज सेक्टर्स के हिसाब से कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, मिड कैप शेयरों में दिक्कत रहेगी आज की वाली, वहां पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त रहेगी। कमजोर होंगे तो एक ही ध्यान रख लीजिए, अब यहां से कमजोरी की जो लीडरशिप आएगी अगर बाजार कमजोर होते हैं तो वो बैंक से आएगी, ये ध्यान में रखिए। तो बैंक्स पर नजर रखिए निफ्टी के मुकाबले में, निफ्टी बैंक आपको ज्यादा बेहतर संकेत देगा बाजार नीचे जाने के लिए, और बाजार को गिरना नहीं है तो वो संकेत आपको निफ्टी से आएगा। जी शुक्रिया अनिल जी ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ट्रेडिंग रेंज आपको बताई गई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, बैंक निफ्टी में 26,200 से 26,700 की ट्रेडिंग रेंज रहेगी और निफ्टी पर 10,675 से 10,850। पोजीशंस आज के सत्र में हल्की रखें वो बेहतर होगा इंडेक्स पर, ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई। सरकारी बैंकों पर खास फोकस कर सकते हैं जहां पर दबाव बढ़ सकता है, SBI के नतीजे भी आने भी वाले हैं तो उससे ठीक पहले थोड़ा सा कॉशियसनेस दिखेगी सरकारी बैंकों में। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज ITC, टाटा स्टील, हिंडालको के नतीजे आएंगे। इसके अलावा मिड कैप पे GSFC, मुथूट फाइनेंस, TVS मोटर भी अपने नतीजे पेश करेंगी। इन नंबर्स पर बातचीत करेंगे आगे कि ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं उन कंपनियों पर जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद है, उसमें था ब्रिटानिया और सिंडिकेट बैंक। ये नतीजे कैसे रहे हैं जान लेते हैं, पूजा के पास चलते हैं, बताइए पूजा। हाय दीपाली, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ब्रिटानिया की नंबर्स की बात करते हैं, नतीजे काफी हद तक हमारे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। मुनाफे में 24% की बढ़त आई है, आय में 13% की बढ़त देखने को मिली है और इंटरनेशनल कारोबार भी काफी अच्छा है, वहां से डबल डिजिट ग्रोथ इस बार इस क्वार्टर देखने को मिली है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 12% के आसपास की, उसके सामने जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो 10% का है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए क्योंकि अनुमान से कम आए हैं वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स। लेकिन बाकी अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स भी 13% से बढ़कर इस बार जो मार्जिन नंबर्स आए हैं वो 15.6% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सिंडिकेट बैंक कमजोर नतीजे, बैंक के ग्रॉस NPA में बढ़त हुई है और 9.62% से बढ़कर अभी जो आंकड़ा है 11% की पहुंच चुका है और पिछले साल का जो मुनाफा था 103 करोड़ का उसके सामने इस बार कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। NII में भी कमजोरी देखने को मिली है, प्रोविजंस बढ़े हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में दबाव है और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी काफी ज्यादा दबाव इस तिमाही देखने को मिला। ठीक है, सिंडिकेट बैंक के नतीजे खराब रहे हैं, प्रोविजनिंग 88% बढ़ी है तो कमजोर रह सकता है ये स्टॉक, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आज ITC, टाटा स्टील, हिंडालको के भी नतीजे आ रहे हैं, पूजा बताइए फटाफट से क्या उम्मीदें हैं इन तीनों कंपनियों से? ITC के मिले जुले नंबर्स देखने को मिलेंगे, अगर तिमाही आधार पर बात करें सिगरेट वॉल्यूम्स की तो वहां दबाव रहेगा, 4% गिरने का अनुमान है, लेकिन FMCG सेगमेंट और होटल कारोबार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इस बार की जा रही है तो ITC से मिले जुले नंबर्स के संकेत हैं। हिंडालको की बात करें तो कमजोर नंबर्स रहेंगे हिंडालको में, मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मेटल कीमतों में उछाल की वजह से रियलाइजेशन कंपनी के जरूर बढ़ेंगे लेकिन 2-3 फैक्टर्स की बात करें जैसे कि लागत जो बढ़ी है और इसके अलावा कोयले और तेल डेरिवेटिव्स में जो उछाल देखने को मिला है उससे कंपनी के मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं टाटा स्टील की बात करें तो यहां पर भी नंबर्स कमजोर ही रहेंगे, मुनाफे में 23% की गिरावट का अनुमान है हमारा। यहां पर कलिंगानगर में शटडाउन जो हुआ है उसकी वजह से वॉल्यूम में कमी आएगी, करीब 6% की कमी देखने का अनुमान है वॉल्यूम के फ्रंट पर और मार्जिन में भी दबाव रहेगा, कोयले की कीमतें जो बढ़ी हैं उसका असर कंपनी के मार्जिन में इस बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं जिन पर ध्यान रहेगा आज के सत्र में, शुक्रिया पूजा आपका। लेकिन और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के आधार पर लाइमलाइट में रहेंगे, कौन से हैं शेयर्स देख लेते हैं। अंचल है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग अंचल बताइए। शुक्रिया दीपाली, शुरुआत करेंगे भूषण स्टील के शेयर से। देखिए खबर, अच्छी खबर यह है, टाटा स्टील को फाइनली अप्रूवल मिल गया है NCLT की तरफ से भूषण स्टील को खरीदने को लेकर। और एक खबर इससे भी क्रिटिकल हो जाती है, दोनों ही यानी भूषण स्टील काफी समय से चर्चा में थी, टाटा स्टील काफी टाइम से बिड कर रही थी और एग्रेसिवली बिड कर रही थी इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। अब जो पूरा रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार है कि टाटा स्टील अपनी सब्सिडरी BNPL के जरिए एक्विजिशन करेगी भूषण स्टील का। जो प्राइमा फेसी अमाउंट है 158.9 करीब 159 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी भूषण स्टील को 72.65% स्टेक के लिए। इसके अलावा जो BNPL है वो
35,200 करोड़ 35,200 करोड़ के कर्ज का भुगतान करेगी। ये जो रकम है ये खुद बीएनपीएल भी देगी और साथ ही टाटा स्टील आर्थिक सहायता करेगी इस डेट पेमेंट को लेकर। इसके अलावा अब एक्विजिशन पूरा होने के बाद टाटा स्टील की जो टोटल कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भूषण स्टील के जुड़ने से करीब 5.6 एमटीपीए पर यह बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं खबर टाटा स्टील के लिए भी अच्छी है और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बैंकों पे होगा, क्रेडिटर्स पे होगा, जिनका काफी बड़ा अमाउंट फंसा हुआ था भूषण स्टील के केस के अंदर, तो उनको अब वापस पैसा मिलता हुआ दिखेगा, वो थोड़ी राहत की खबर होती है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस कम्युनिकेशन, यहां पे अब दिक्कतें बढ़ रही है, कंपनी की ही नहीं बैंकर्स की यहां दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कारण यह है कि एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है एरिक्सन की इंसॉल्वेंसी याचिका को। उन्होंने कहा है कि एरिक्सन की इंसॉल्वेंसी याचिका पे सुनवाई होगी और ये खबर कहीं ना कहीं बैंकर्स के लिए और कंपनी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज आरकॉम पे टोटल करीब 45,000 करोड़ का कर्ज है और अगर ये एनसीएलटी में जाता है तो इस बैंकों को करीब 22,500 करोड़ की रकम प्रोविजनिंग के तौर पर रखनी पड़ेगी, वो एक डेंटिंग फैक्टर होगा। तो कहीं ना कहीं आरकॉम और जो लीडिंग बैंक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका लोन है आरकॉम को, उन पे आज प्रेशर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, ग्यामर इंफ्रा दोनों ही शेयरों पर फोकस रखिएगा। कारण ये है ग्यामर इंफ्रा के गिरवी रखे शेयर अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नाम कर दिए हैं। करीब 16.9 करोड़ गिरवी शेयर थे जिनको अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नाम कर दिया है और इसमें जो कुल हिस्सेदारी है अब ग्यामर इंफ्रा में आईसीआईसीआई बैंक की 18% हो गई है। एनटीपीसी में भी अच्छी खबर है, 3 करार किए हैं इसने बिहार सरकार और यूटिलिटी कंपनीज के साथ। करारों के तहत पहले तो एनटीपीसी एक एक्विजिशन करेगी, 720 मेगावाट बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक्विजिशन करेगी, साथ ही बिहार की 2 इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगी। एक केबीयूएन में करीब 27.4% हिस्सा खरीदा जाएगा तो वहीं दूसरी कंपनी में करीब 50% की स्टेक एनटीपीसी खरीदेगी। लास्टली आदित्य बिरला कैपिटल पे फोकस रखिएगा, खबर अच्छी है। खबर यह है कि कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं एबी मनी और एबी कमोडिटी, आदित्य बिरला कमोडिटीज ब्रोकिंग, दोनों ने ही अब अर्जी, दोनों ही कंपनियां अर्जी देंगी एनसीएलटी में मर्जर को लेकर। ये अप्रूव हो जाता है तो एक टेंडेटिव जो स्ट्रीमलाइनिंग की बात की जा रही थी, आदित्य बिरला कैपिटल आगे जाके अपने सभी सब्सिडरियों को मर्ज कर देगा अपने में, वो काम शुरू होता हुआ दिखेगा, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है एबी कैपिटल के लिए आज। शुक्रिया अंचल आपका। तो तमाम वो शेयर्स हैं जहां पर आज खबरें हैं, खबरों का असर दिख सकता है। फटाफट से देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी को और एफएसजेएस के अप्रोच भी आपको बता देते हैं। एसजेक्स निफ्टी दबाव में अभी भी है और दबाव अभी और बढ़ा है, सतरंग नीचे भी आ चुका है 10,756 के लेवल्स पर। तमाम एशियाई बाजार कमजोर है, हैंगसेंग अब करीब 150 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने किया क्या है वो भी एक बार आप देख लीजिए। एफआईज ने कैश मार्केट में 518 करोड़ की बिकवाली की है, डीआईज की ओर से उतने ही क्वांटम में बाइंग आई यानी 531 करोड़ की खरीदारी की है और एफएनओ में एफआईज ने 3516 करोड़ की पोजीशंस बनाई हैं। तो ये संस्थागत निवेशकों की अप्रोच कल के सत्र की, लेकिन अब आज आप ट्रेड कहां कर सकते हैं ये जान लेते हैं। और लवलीश शर्मा हमारे साथ मौजूद है एपिक रिसर्च से। लवलीश गुड मॉर्निंग, स्टॉक्स बताइए कौन से रहेंगे आज आपके रडार पर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। पहला मेरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। आई थिंक स्टॉक में अक्यूमुलेशन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं उनकी आरआर की वजह से उसको नीचे लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक इसमें 658 का स्टॉप लॉस लेकर हम बाय कर सकते हैं। ऊपर मैम इसमें 683 से 685 तक के टारगेट देख रहे हैं। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा कैपिटल फर्स्ट, ब्रेक डाउन हुआ स्टॉक में ऑन द डाउन साइड। मुझे लगता है इसमें 563 के स्टॉप लॉस के साथ हम बेरिश मोमेंटम में सेल कर सकते हैं, हमें नीचे में 542-543 तक की एक बार ब्रेक डाउन मिल सकता है। तो 2 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, कैपिटल फर्स्ट में बेचने की सलाह है 540 का लक्ष्य नीचे की तरफ, 560 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टेक महिंद्रा, आईटी स्टॉक्स वैसे भी एक्शन में दिख सकते हैं क्योंकि रुपया कल 68 के स्तर को पार कर चुका था, आज एक बार फिर से शायद कमजोर शुरुआत हो ऐसी आशंका है और आईटी स्टॉक्स उस केस में मोमेंटम में रह सकते हैं। टेक महिंद्रा 683 का लक्ष्य, 657 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। कुछ और ट्रेडिंग पिक्स भी हैं वो भी आप नोट कर लीजिए आज के लिए। आईडीबी कैपिटल ने पिक किया है पेट्रोनेट एलएनजी को, बेचने की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य रहेगा 202 का नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस आपको 213 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। दूसरी पिक है रिलायंस कैपिटल, यहां पर 360 के लक्ष्य के लिए आपको बेचना है रिलायंस कैपिटल को, 383 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मनपसंद बीवरेजेस एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसको पिक किया है, कैश का ये स्टॉक है, आज के लिए 430 के टारगेट दे रहे हैं, 409 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर बिकवाली की राय आ रही है, 1165 का आपको लक्ष्य रखना है नीचे की तरफ, 1199 का स्टॉप लॉस
आपको मेंटेन करना होगा आज के सत्र में। तो आईबी हाउसिंग पर ये बिकवाली की कॉल आई है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। लेकिन अब कमोडिटीज की बात कर लेते हैं कि आज आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। विदेश हिरामत हमारे साथ मौजूद है जो कि हेड रिसर्च है कमोडिटी सेगमेंट के कावी कॉम्ट्रेट से। विदेश गुड मॉर्निंग, पहले तो क्रूड पर ही बताइए क्या रणनीति रहेगी आज घरेलू बाजार में। देखिए क्रूड ऑयल में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी हमें लगता है कंटिन्यू रहेगी, इसलिए इंडियन मार्केट में हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड 48-40 लेवल में। आज के लिए हमारा लक्ष्य रहेगा 49-10 का और 4800 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, 4800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस आपको बनानी है क्रूड में। सोने पर क्या रणनीति रखेंगे आज? ठीक है, कल एक बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है सोने में। हमें लगता है ओपनिंग सेशन में मार्केट एक छोटा सा टेक्निकल रिकवरी देगा, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक रहेगी। इसके चलते हुए हमारा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 31,220 लेवल में। आज के लिए टारगेट रहेगा 31,080 या 31,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है और 31,300 के ऊपर एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। एक आउटलुक मुझे क्विक आउटलुक रुपए पर भी चाहिए। 68.11 के तक ये पहुंचा था कल के सत्र में। बॉन्ड यील्ड्स यूएस में 7 साल की ऊंचाई पर है, ऐसे में आज अगर कमजोर शुरुआत होती है रुपए की तो कहां तक फिसल सकता है रुपया? देखिए हमारे लिए आज के लिए 68-60 लेवल तक देखने को मिल लग रहा है, इसलिए आज के लिए हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 68.48 में और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 68.38 का। ठीक है, चलिए शुक्रिया विदेश आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और फटाफट से आप देख लीजिए ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जो कि कुछ स्टॉक्स को लेकर आई है। पंजाब नेशनल बैंक की सबसे पहले बात करेंगे, नतीजे खराब रहे हैं और नतीजे के बाद क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन रखी है, हालांकि जो टारगेट है उसको घटाया है। 188 पहला लक्ष्य था जिसको घटाकर अब 88 किया है पीएनबी पर क्रेडिट स्विस ने। नोमरा की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य दिया है वो 75 का दिया है पंजाब नेशनल बैंक पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर दो रिपोर्ट है जो कि आप अभी देख भी रहे थे। मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 292 का दिया है। वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर क्रेडिट स्विस ने आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है, लक्ष्य को 315 रुपए प्रति शेयर का रखा है। तो ये दो रिपोर्ट्स इस पर आई हैं। ल्यूपिन की बात कर लेते हैं, नतीजे खराब आए थे कल बाजार बंद होने के बाद, हालांकि सीएलएसए ने खरीदारी की सलाह दी है, 1000 का लक्ष्य दिया है और क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और जो लक्ष्य दिया है वो 770 का दिया है। तो ये दो हाउसेस की रिपोर्ट ल्यूपिन पर भी है। इसके अलावा एक बार क्विकली आपको बता देते हैं गोदरेज एग्रोवेट के बारे में भी, यहां पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग और जो लक्ष्य है वो 630 का रखा है।